जला के गया, ये कौन मेरी तन्हाई शहनाई में, दिल का दिया जला के गया, ये कौन मेरी तन्हाई सभी दोस्तों को हमारा प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र अंजुम निसार। और आज के प्रोग्राम में अभी हमें सबसे पहले हरमन सिंह चपड़ा साहब ने लिखा है। आप लिखते हैं, अंजुम निसार जी व कश्मीर कन्वीनर के सभी दोस्तों को मेरा व नए पुराने सामीन को डोंगरगढ़ से दिल से आदाब व सलाम। और आप लिखते हैं, आज दिलीप कुमार मोहम्मद यूनुस आपने लिखा है, दरअसल मोहम्मद यूसुफ है जी का 99वां बर्थडे है, नमन करते हैं उनका। और आपने एक नगमे की भी फरमाइश की है, हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। द इम्पीरियर हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, आप हर रोज़ प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं, आप बांडीपुरा से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। और आशिक हुसैन कोल साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, सलाम आपने लिखे हैं, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अल्ताफ खान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, सलाम आपने भी लिखे हैं, वालेकुम अस्सलाम। हमारे भाई, हमारे दोस्त शेख बिलाल साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं, सलाम निसार साहब, वालेकुम अस्सलाम। मीर मुसव्विर साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने हमें सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। हीरा लाल रॉय साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी हमें सलाम लिखी है, आप तेलंगाना से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। और महताब जहाद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं,
आपने हमें सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। बिलाल रजाक साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। नज़ीर लोला भी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने दो गाना सुनवाने के लिए लिखा है और आपने सलाम भी लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। हमारे मुस्तकिल सामिया तजम्मुल अमदानी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप गुलशन इकबाल कराची से हमारे साथ प्रोग्राम जुड़ते हैं, कराची पाकिस्तान से आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। लिखते हैं प्रोग्राम में हाज़िरी कबूल करें, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त आपका। और आज जो है, आज जी हाँ, दिलीप कुमार की सालगिरह है और ये पहली सालगिरह है, पहली 11 दिसंबर है जो सायरा बानो अपने साहब के बगैर गुजारेंगी। जी हाँ दोस्तों, जब बॉलीवुड के इस जोड़ी की 11 अक्टूबर सन 1967 में शादी हुई तो उस वक्त सायरा बानो की उम्र फ़कत 22 साल और दिलीप कुमार 44 बरस के थे, और फिर उसके बाद इनका तकरीबन 54 बरस का साथ रहा। दिलीप कुमार और सायरा बानो के इश्क की कहानी किसी असातिरी दास्तान से कम नहीं। मुंबई के इलाके पालीहल को इसलिए भी मुमताज़ हैसियत हासिल रही है कि यहाँ दहाइयों से दिलीप कुमार और सायरा बानो का बंगला वाका है। खैर, एक खूबसूरत सा नगमा सुनते हैं और इस नगमे को सुनवाने के लिए हमें लिखा है हमारे दोस्त हरभजन सिंह चवड़ा साहब ने, और ये नगमा जो है, ये गीत जो है, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में और नगमा फिल्माया गया है, जी हाँ, मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान साहब पे, जिनका आप और हम दिलीप कुमार के नाम से जानते हैं, और साथ में मीना कुमारी है। सुनते हैं ये खूबसूरत सा नगमा। जमीन पर है मिलन आज की रात, दो सितारों का जमीन पर है मिलन आज की रात, मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात।
दोस्तों आपने दो गाना सुना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में नगमा था, और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। आबिद मलिक खाकी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं मुल्तान आबिद खाकी, रेडियो मुल्तान। मैं कुछ समझा नहीं मेरे दोस्त, खैर हम आपका खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। और फिरासत हुसैन साहब हमारे मुस्तकिल सामिया प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप यूपी गंज दोंडबारे से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। सलाम आपने लिखी है, वालेकुम अस्सलाम, और आपने महेंद्र कपूर की आवाज़ में एक नगमे की फरमाइश की है। बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। और मुश्ताक अहमद कुल्लू साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम, और उसके बाद आपने एक नगमे की फरमाइश भी की है। शिव कुमार त्रिवेदी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लखीमपुर खीरी यूपी से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। आप लिखते हैं रेस्पेक्टेड माई डियर फ्रेंड अंजुम निसार साहब जी, आदाब। मेरे सभी दोस्तों को आदाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। जावेद अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। रामचंद्र गुप्ता साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने भी हमें सलाम लिखी है। महराज वानी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप हमें सलाम लिख रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और हमारे मुस्तकिल सामिया जोगिंदर सिंह बत्रा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। लिखते हैं अंजुम निसार साहब, आपको और कश्मीर कन्वीनर के सभी सम्मानित दोस्तों को प्यार भरा आदाब और नमस्कार। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज कोई फरमाइश नहीं, दोस्तों की खूबसूरत पसंद को सुन रहे हैं। विकासपुरी न्यू दिल्ली से जोगिंदर सिंह बत्रा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और मुझे मालूम है कि आप सभी दोस्त जो हैं हमारे मुस्तकिल सामिया हैं, जो वो हमारे बाकी दोस्तों का भी ख्याल रखते हैं ताकि उनकी पसंद भी यहाँ पे शामिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जैद मोहम्मद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने हमें सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और मुश्ताक हाजी साहब हमारे दोस्त हमारे भाई प्रोग्राम में शामिल हैं। सलाम आपने लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और महताब अहद जहाद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने एक नगमे की फरमाइश की है, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, दोगाना है ये, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। कमल शर्मा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। खागरपुर से आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और सासा मूसा गोपालगंज बिहार से हमारे साथ हमारे मुस्तकिल सामिया रामजी प्रसाद साहब भी शामिल हुए हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। सिबगत ज़ियावर साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपने हमें सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। और बिलाल रजाक साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपने लिखा है अस्सलाम वालेकुम जनाब अंजुम साहब, और उसके बाद आपने एक नगमे की फरमाइश की है। बिल्कुल आपने उसी नगमे की फरमाइश की है जिस नगमे की फरमाइश महताब जहाद साहब ने की है। हम आप दोनों दोस्तों के लिए ये नगमा ज़रूर पेश करेंगे। कौर हरमीत साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। लिखते हैं आदाब अंजुम निसार जी। और तारिक साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप पतुशे बांडीपुरा से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं, तारिक हाजी साहब। और आपके साथ हैं आपकी लाडली बेटी अदीबा तारिक। और आप लिखते हैं कि आप रफ़ी साहब की आवाज़ में कोई भी नगमा सुनना चाहते हैं, तो हम आपको सुनवाते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा नगमा ये है, और इस नगमे के साथ सुमन कल्याणपुर भी है, आप भी सुनिएगा इस नगमे को। जाहिद डार साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आप गांधरबल से प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। HSS सुंबल, इस नाम के एक दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम निसार साहब। वालेकुम अस्सलाम। शौकत वानी साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, और हमारी बहन एंजल जोया साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अगर तेरी जलवा नुमाई न होती,
खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अगर आप तुमसे मिलाई न होती मेरी जिंदगी लौट आई न होती। अगर आप तुमसे मिलाई न होती मेरी जिंदगी लौट आई न होती। होता सुहाना बहारों का मौसम न होता सुहाना। तेरे दम कदम से हुआ आशिकाना तेरे दम कदम से हुआ आशिकाना। नजारों में ये दिल रुबाई न होती खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अगर आप तुमसे मिलाई न होती मेरी जिंदगी खुदाई न होती। मौत तो नाम से बदनाम होगी वरना मौत तो नाम से बदनाम होगी वरना तकलीफ तो जिंदगी भी दिया करती है। दोस्तों अपनी पसंद के फिल्मी नक में आप हर रोज रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं यह हैं तजम्मुल अमदानी साहब, आप लिखते हैं अंजुम साहब, आबिद मलिक खाकी साहब हमारे रेडियो मुल्तान के बहुत मायानाज कंप्यूटर हैं। और क्या कहूँ मैं, मुझे मैं बड़ी माजरत के साथ आपसे माजरत चाहता हूँ क्योंकि मैं पहचाना नहीं आपको खाकी साहब, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपसे मेरी अदब के साथ और पुरखलूस गुजारिश है कि आप प्लीज़ हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें क्योंकि तजम्मुल साहब के कहने के मुताबिक आप बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर भी हैं। तो मेरी आपसे ये हाथ जोड़कर विनती रहेगी, गुजारिश रहेगी कि आप हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और मुनीर भट्ट साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, सलाम आपने लिखी है, वालेकुम अस्सलाम।
और उसके बाद आपने एक नगमे की फरमाइश भी की है, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। इरशाद अहमद मीर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने भी एक नगमे की फरमाइश की है। फिरदौस अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में कोई भी नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। शबीर मीर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम निसार साहब, शबीर मीर फ्राम रेशी नगर शुपियाँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कुछ मसरूफियात की वजह से कल का प्रोग्राम नहीं सुन पाया, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने फरमाइश की थी एक सॉन्ग की, लेकिन वक्त की कमी की वजह से आप प्ले नहीं कर पाए थे। आज उम्मीद है कि फरमाइश पूरी की जाएगी, आपकी ऐन नवाजिश होगी। और उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं, बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। शाह मुबीन साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने एक नगमे की फरमाइश की है, हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का नगमा। और बशीर अहमद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने हमें सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर जी एम डार साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने दो गाना सुनना चाहा है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। बने रहें प्रोग्राम में। लोन तनवीर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। और लोन रिशाकत साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, करना कुपवारा से, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम निसार साहब, आई एम लिसनिंग यूर प्रोग्राम फ्राम करना कुपवारा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त आपका। और सुनीत कुमार राज साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, रज़ा साकिब मुस्तफ़ा साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी फरमाइश है। और उसके बाद आपने एक नगमे के बोल लिखे हैं, और आपसे मेरी गुजारिश है कि बने रहें प्रोग्राम में, हम कोशिश करेंगे आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाएं। और आज भी हमारे प्रोग्राम में कई सारे दोस्त जो हैं वो पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। निगहत वानी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब, वालेकुम अस्सलाम। और ताहिरा जान साहिबा हमारी बहन प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने एक नगमे की फरमाइश की है और आपने सभी दोस्तों को जो है वो सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और महेंद्र मोदी साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, और आपको बता दूं कि बहुत ही क्या कह सकते हैं इनके बारे में कि ये बहुत ज़्यादा पुराने ये लिसनर हैं, और ये जो ऑल इंडिया लेवल की एक लिसनर्स ग्रुप है उसके ये उस ग्रुप के प्रेसिडेंट भी हैं। तो आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही हौसला अफजाई की बात है। और आप लोगों ने हमें हमारे इस प्रोग्राम को इज्जत बख्शी है अपनी तौर से, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आपने हमें इस लायक समझा, हमें अवार्ड से नवाजा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीन मानिए आपका हमारे प्रोग्राम में शामिल होना हमारे लिए हौसला अफजाई की बात है। आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहू बेगम फिल्म से एक नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। रामगढ़ कंठ से आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। तो फ़िलहाल हमारे दोस्तों की फरमाइश पर सुनते हैं उनकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। कुछ भी
दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। हमारे एक दोस्त बड़ी मुद्दत के बाद प्रोग्राम में शामिल हैं, महेंद्र मोदी साहब। आपने एक नगमे की फरमाइश की है, हम ज़रूर आपके लिए आपकी पसंद का नगमा पेश करेंगे। और अमीनुल्लाह खान साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका खैर मकदम है। रज़ा साकिब मुस्तफ़ा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका खैर मकदम है। आशिक हुसैन साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। फयाज़ भट्ट साहब प्रोग्राम में शामिल हैं गांधरबल से, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। और इरशाद अहमद मीर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। काफ़ी सारे दोस्त हैं जो पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, उन सब का भी हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर जीएम डार प्रिंस साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप शाहगुण से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप लिखते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप किशोर कुमार का कोई भी गाना सुनाते, आपका दोस्त डॉक्टर गुलाम मोहम्मद डार। तो डॉक्टर साहब, यकीन मानिए बड़ा अच्छा लगता है कि आज आप जैसे लोग भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आपने किशोर कुमार की आवाज़ में कोई भी नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप प्रोग्राम में बने रहें, हम ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। और मागरे फेरोज साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने हमें सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये है भट्ट जुबैर साहब, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। आपने किशोर कुमार की आवाज़ में नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, आप फ्रिसल कुलगाम से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं, आपका खैर मकदम है दोस्त मेरे प्रोग्राम में। और रज़ा साकिब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, यह है मुनीर भट्ट साहब, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। पपिंद्र राजपूत साहिबा हमारी मुस्तकिल सामिया, हमारी बहन, प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, सलाम भाईजान,
कश्मीर कन्वीनर के सभी दोस्तों को नमस्कार। डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से आप सुन रहे हैं हमारा ये प्रोग्राम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रोने की सजा है न रुलाने की सजा है, रोने की सजा है न रुलाने की सजा है, ये दर्द मोहब्बत को निभाने की सजा है। हंसते हैं तो आंख से निकल आते हैं आंसू, हंसते हैं तो आंख से निकल आते हैं आंसू, ये एक शख्स को बे इंतहा चाहने की सजा है। दोस्तों, आपने दो गाना सुना, बहुत ही खूबसूरत दो गाना था ये। कोर हरमीत साहिबा भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं बहन अपने इस प्रोग्राम में। और आज के प्रोग्राम में कई ऐसे दोस्त शामिल हुए हैं जो अपनी पसंद का नगमा सुनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने नगमे के बोल नहीं लिखे हैं बल्कि सिर्फ ये लिखा है कि वो अपनी पसंद का नगमा सुनना चाहते हैं। सभी ऐसे दोस्तों से मेरी गुजारिश रहेगी कि प्लीज़ आप हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पे अपनी पसंद का नगमा टाइप करें तो हमें बड़ी आसानी होगी आपके लिए वो नगमा पेश करने में। करना सिर्फ आपने ये है कि सबसे पहले आप नगमे के बोल लिखेंगे, उसके बाद उस नगमे को गाया किसने है यानी कि सिंगर या गुरुकार का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप फिल्म का नाम लिखेंगे। और हाँ, अगर आप उस नगमे के बारे में और कुछ भी जानते हैं, जैसे कि उसको लिखा किसने है, संगीत से किसने संवारा है, इस तरह की बातें भी अगर लिख सकते हैं वो भी ठीक रहेगा, लेकिन दो तीन चीज़ें हमें चाहिए जिसके बाद हम आपकी पसंद का नगमा यहाँ पे
आराम से आपके लिए पेश कर सकेंगे। शबीर मीर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। सुनीत कुमार राज साहब लिखते हैं, सर आपको अवार्ड मिला, कुछ इसके बारे में बताइए प्लीज़। दरअसल ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया सतह पर, तो ये शायद इस तरह देखते हैं कि कहाँ पे किस तरह प्रोग्राम होते हैं, उसके बाद इनकी टीम बैठती है और जो इनको लगता है कि बेहतर से बेहतर कर रहा है उसे ये अवार्ड से नवाजते हैं। और आप लोगों की वजह से ही ये संभव हुआ है, ये तय पाया है कि हमें भी इन्होंने अवार्ड से नवाजा है। और इस बार इन्होंने ये सोचा है कि हमें हमारे प्रोग्राम को अवार्ड से नवाजें, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ तारीफ के काबिल हैं वो आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही दरअसल ये प्रोग्राम है, और अगर आप नहीं होते तो बिल्कुल ये प्रोग्राम नहीं होता। और दरअसल मैं समझता हूँ ये अवार्ड आप सभी सुनने वालों के लिए है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त आपका। और जावेद खान साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका हम खैर मकदम करते हैं। हमारी बहन शाजिया खान साहबा भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं बहन अपने इस प्रोग्राम में। और आप हमारी सबसे पहली लिसनर हैं। जोगिंदर सिंह बत्रा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। सत्तार लोन साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी खैर मकदम है। और मुश्ताक अहमद कुल्लू साहब लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग द अवार्ड, यू डिज़र्व मोर एंड मोर बीइंग अ ऑनर ऑफ मैजिकल वॉइस, योर प्रेजेंटेशन इज़ गुड एंड स्वीट, मै सच मोर अवार्ड कम टू यूर वे एंड मै यू लिव लॉन्ग आर जे सर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। शुएब साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने एक नगमे की फरमाइश की है, आई वांट टू लिसन जन गण मन, तो आप बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। महेंद्र मोदी साहब लिखते हैं, अंजुम साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मेरी फरमाइश पूरी करने के लिए। यकीन मानिए हमें बहुत ही अच्छा लगा जब आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। और मैं यहाँ पर जितने भी सारे हमारे सुनने वाले सामीन हैं उन सबको बता दूँ कि महेंद्र मोदी जो हैं वो ऑल इंडिया ओल्ड लिसनर्स ग्रुप जो है उसके वो प्रेसिडेंट हैं, सरदर हैं, तो ये भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, ये हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अवार्ड तो मेरे लिए ये है कि आप जैसे जो लिसनर हैं वो हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। और हमारी बहन रज़िया हसन साहबा प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, आप आज बहुत लेट प्रोग्राम में शामिल हुई, खैर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होती हैं। पहले बारिश होती थी तो याद आते थे, पहले बारिश होती थी तो याद आते थे, अब जब याद आते हो तो बारिश होती है। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास, कोई रहता है वो हो तुम, मरना
के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, ओ तुम नजर के सामने जिगर के पास। दोस्तों कहते हैं कि अगर रास्ता खूबसूरत है तो मालूम करो कि किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह न करो। अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। और हमारे प्रोग्राम में आज बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। और शुएब साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, शाजिया खान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, मदन चक्रवर्ती साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। अपने मुकेश की आवाज़ में एक नगमे की फरमाइश की है, बने रहें आप प्रोग्राम में। सत्तार लोन साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, सुनीत कुमार राय साहब प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, सर बहुत 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 शुभकामनाएं, आप ऐसे ही नए नए मंजिलों को पाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, आपने एक नगमे की फरमाइश की है, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और एक और दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं फिरदौस साहब, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। बट सबिकुतुल्ला साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में आनंद बख्शी के बोल सुनना चाहे हैं लता और मुकेश की आवाज़ों में सुनीत कुमार राय साहब ने, हम ज़रूर आपके लिए खूबसूरत सा दुगुना पेश करेंगे। सुलेमान गुरेजी साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, जयसपुर उत्तराखंड से आपने हमें सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं फेरोज साहब, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। शेख उमर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द अचीवमेंट, योर वॉइस इज़ बोल्ड एंड एंड स्वीट टू हेयर, दिस प्रोग्राम ऑफ योर्स इज़ अ होप ऑफ एंसेंट पीस इन दिस बिजी एंड मॉडर्न टाइम। किशोर कुमार का कोई भी नगमा सुनाइए, सिटी ब्लेस्ड। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, और आपने हमारी तारीफ की है, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे यकीन माने हौसला अफजाई आप हमारी करते हैं, तो इस वजह से हमारा हौसला यकीनन बढ़ जाता है। लियाकत अली आबान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आप लिखते हैं, वेलकम टू वर्ल्ड लिसनर्स रेडियो नसीब ऑस्ट्रेलिया
पाकिस्तान ब्रांच। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त कि आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपका हम खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। आप लोग तो बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर हैं और हम यहाँ पे शो के अंदाज़ में इस प्रोग्राम को चलाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये शो जो है ये पसंद आ रहा होगा। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, क्योंकि हम चाहते हैं ये प्रोग्राम बिल्कुल आपके मन के मुताबिक, सामिन के मन के मुताबिक यहाँ से नशर हो। तो इसके लिए हमें आपकी आरा और आपकी तजावीज़ की ज़रूरत होती है। और आप सबको एक बात बता दूं कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, और वो शख्स खुद आप हैं। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने, हम भी जमाने से हैं तेरे दीवाने, हम भी जमाने से हैं तेरे दीवाने, चाहे शाखें रहीं तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, शाखें रहीं तो फूल भी पत्ते भी आएंगे,
ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। हमारे आज के प्रोग्राम में एक दोस्त हैं जो पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। जी हाँ, आप हैं तन्हा वाहिद साहब। आपने एक नगमे की फरमाइश की है, हम ज़रूर आपके लिए आपकी पसंद का नगमा पेश करेंगे और हम आपका खैर मकदम भी करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। जावेद खान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, इंतज़ार अंजुम साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में शामिल हैं और जोगिंदर सिंह बत्रा साहब, अब्दुल्लतीफ़ वानी साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आप सबका दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में हम खैर मकदम करते हैं। और नज़ीर लोलाबी साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। तजम्मुल हमदानी साहब पाकिस्तान से प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं, दिल उस वक्त मुश्किल में आता है जब अंजुम साहब जाने की बात करते हैं। दोस्त, आप सभी जानते हैं कि हर एक चीज़ का एक वक्त होता है और हमारे इस प्रोग्राम का वक्त 1 घंटे का होता है और हम ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए आपसे दूर चले जाते हैं, बल्कि हम हर रोज़ आपके लिए यहाँ पे रात के ठीक 9:30 बजे हाज़िर होते हैं और बाकी सारे मामलात भी होते हैं ज़िंदगी के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने नगमे ही सुनने हैं, बल्कि बाकी सारे मामलात हैं, उन्हें भी हमने हल करना होता है, उनकी तरफ भी हमने और आपने ध्यान देना होता है। लिहाजा 1 घंटा मेरे ख्याल में बहुत काफ़ी है इस एंटरटेनमेंट के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस हद तक हमारे इस प्रोग्राम के साथ मोहब्बत और प्यार करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और शुएब साहब लिखते हैं, यू डिसअपॉइंटेड मी, इट वाज द टाइम टू मार्क माय रिक्वेस्ट राइट आफ्टर द प्रीवियस सॉन्ग यू प्लेड बट यू इग्नोर्ड माय रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट यू टू प्ले जनगण मन। अगेन आपने इस तरह की बात लिखी है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इस प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है, अगर आप उस फॉर्मेट के हिसाब से अपनी पसंद का नगमा यहाँ पे टाइप करेंगे तो हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। करना आपने सिर्फ यह है कि पहले आप नगमे के बोल लिखेंगे, उसके बाद आप सिंगर का नाम लिखेंगे जिसकी आवाज़ में वो नगमा आप सुनना चाहते हैं और उसके बाद आप फिल्म का नाम लिखेंगे, तो हम आपके लिए आपकी पसंद का नगमा ज़रूर पेश करेंगे और आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। और इंतज़ार अंजुम साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आप लिखते हैं, आज आने में थोड़ी देर हो गई, सॉरी। मेरे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। तो नगमा सुनते हैं, खूबसूरत नगमा है ये। हमारे जो दोस्त पहली बार आज प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, उन्होंने इसकी फरमाइश की है, ये रही आपकी पसंद। नदी का किनारा ये चंचल हवा, ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा, ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा, ये बाहों में बाहें ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा, ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा ये चंचल हवा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा, मुहाब
ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा दोस्तों आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में रात के ठीक 10:24 और 40 सेकंड हुए हैं। तो अब जो है हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपके लिए हम प्रोग्राम की आखिरी सौगात अब पेश करेंगे। खूबसूरत सा नगमा है जो हम आपके लिए पेश करेंगे और इस नगमे को हमारी एक बहन ने सुनवाने के लिए लिखा है। बाकी जो हमारे यहाँ पे दोस्त हैं उन सब से मेरी गुजारिश है कि आप हमारे प्रोग्राम के साथ यूं ही मोहब्बत के साथ बने रहें और अपनी जो आपकी राय है हमारे प्रोग्राम के हवाले से उसे भी आप ज़रूर हमारी नज़र करें ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर तौर पर आपके लिए पेश कर सकें। दिल के लुट जाने का इजहार ज़रूरी तो नहीं, दिल के लुट जाने का इजहार ज़रूरी तो नहीं, ये तमाशा सरे बाजार ज़रूरी तो नहीं। मुझे था इश्क तेरी रूह से और अब भी है, मुझे था इश्क तेरी रूह से और अब भी है, जिस्म से हो कोई सरोकार ये ज़रूरी तो नहीं। मैं तुझे टूट कर चाहूँ तो मेरी फितरत है, मैं तुझे टूट कर चाहूँ तू मेरी फितरत है, तू भी हो मेरा तलबकार ये ज़रूरी तो नहीं। और ए सितमगर ज़रा झांक मेरी आँखों में, ए सितमगर ज़रा झांक मेरी आँखों में, ज़ुबान से प्यार का इजहार हो ये ज़रूरी तो नहीं।